हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो एग्रो सो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर वन इसका सब्जेक्ट्स है फार्म मशीनरी एंड पावर और वी कैन इट फार्म पावर एंड मशीनरी ये लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इसमें हम एग्रीकल्चर में यूज आने वाले फार्म इम्प्लीमेंट्स टूल्स मशीन्स इनके फंक्शंस को समझेंगे और एग्रीकल्चर में यूज आने वाली पावर्स को भी पढ़ेंगे सो बिफोर वी स्टार्ट वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गो एग्रो का ऐप लॉन्च हो गया है इसमें आपको सभी सेमेस्टर के पी डी एफ नोट्स ट्रेनिंग वीडियोज एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे इसे डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा

सो so, जैसा कि हम जानते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड्स में मशीन टूल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था इसीलिए फील्ड में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए मशीन्स और इम्प्लीमेंट को यूज़ किया जाता है जिसे हम इस लेक्चर में समझेंगे फील्ड में अलग अलग काम के लिए अलग मशीन्स को यूज़ किया जाता है जैसे कि टीलेज प्रैक्टिस प्लांटिंग पर्पज प्लांट प्रोटेक्शन हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग मशीन्स को यूज किया जाता है फार्म्स में अलग अलग पावर्स को यूज किया जाता है जिसे हम इस लेक्चर में समझेंगे फर्स्ट है ह्यूमन पावर सेकेंड इज एनिमल पावर थर्ड इज मैकेनिकल पावर फोर्थ इज इलेक्ट्रिकल पावर एंड फिफ्थ इज रिन्यूएबल एनर्जी इस लेक्चर में हम इन सभी टर्म्स को एक एक करके समझते हैं फर्स्ट है ह्यूमन पावर किसी भी फील्ड में जो हम जो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं उसे यूज़ करने के लिए ह्यूमन पावर की ज़रूरत होती है फॉर एग्ज़ाम्पल सीकल या हो मीन्स अगर हमारे पास हार्वेस्टिंग करने के लिए सीकल है तो अकेले उस सीकल का कोई यूज़ नहीं है जब तक उसे हम यूज़ ना करें सो so, किसी भी टूल और इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है फील्ड में बहुत से वर्क्स होते हैं जैसे कि चाफ कटिंग चारा काटना लिफ्टिंग वाटर कुएं से पानी निकालना थ्रेशिंग और विनोइंग सो so, इन सभी वर्क को करने के लिए लेबर की जरूरत होती है और इन सभी काम को करने के लिए लेबर जो अपना परसेंटेज देती है उसे ह्यूमन पावर कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू इंजीनियर्स एक एवरेज पर्सन मैक्सिमम 0.1 पॉइंट हॉर्स पावर का वर्क डन करता है फील्ड में सो so, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ह्यूमन फील्ड में वर्क कर रहे हैं और इसे ह्यूमन पावर कहते हैं सेकेंड टाइप है एनिमल पावर जनरली एनिमल पावर का मतलब होता है कि फील्ड वर्क करने के लिए हम जो एनिमल्स को यूज करते हैं जैसे कि बुलॉक्स केमल बफेलोस, हॉर्सेस डंकीज म्यूल्स एंड एलिफेंट्स इन सभी एनिमल्स को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि लैंड प्लोइंग करने के लिए टिलेज करने के लिए मीन्स खेत जोतने के लिए ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ब्लॉक कार्ट का यूज़ करते हैं मीन्स बेलगाड़ी या फिर डंकी को यूज़ करते हैं और इन सभी काम को करने के लिए एनिमल्स की ज़रूरत होती है और इसे हम एनिमल पावर कहते हैं एनिमल्स अपने बॉडी वेट का एवरेज वन अपॉन टेंथ फोर्स फील्ड वर्क के लिए यूज़ कर सकता है ये उनकी एफिशिएंसी होती है और अकॉर्डिंग टू इंजीनियर्स पेयर ऑफ बुलेट यूजुअल फॉर्म ऑफ वर्क के लिए वन हॉर्स पावर का फील्ड में अप्लाई करती है मींस जब दो बेल मिलकर खेत की जुताई करते हैं तब वो वन हॉर्स पावर को फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे फार्मर्स एनिमल्स को यूज कर रहा है इन पिक्चर्स में दो बुलुक को एक साथ बांध रखा है और ये दोनों बुलुक मिलकर खेत की जुताई कर रहे हैं मीन्स टिलेज प्रोसेस कर रहे हैं और इसे हम एनिमल पावर बोलते हैं थर्ड टाइप ऑफ पावर इज़ मैकेनिकल पावर मैकेनिकल पावर मीन्स मशीन और मोटर्स को यूज़ करना जैसे कि ऑयल इंजन ट्रैक्टर्स पावर टीलर्स एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर्स फील्ड में हम इनिशियल टीलेज के लिए मीन्स खेत की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर्स को यूज करते हैं सो so, ट्रैक्टर्स कैसे वर्क करता है और वो इनपुट कैसे देता है समझते हैं ट्रैक्टर्स में कंबशन इंजन्स को यूज़ किया जाता है और वो इंजन्स लिक्विड फ्यूल जैसे कि पेट्रोल और डीजल को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं सो so, जब भी हम फील्ड में ट्रैक्टर और दूसरी मशीन्स को यूज़ करते हैं तब हम ऐसा इनपुट फ्यूल डालते हैं और जैसे जैसे ट्रैक्टर फील्ड में चलता है तो वो फ्यूल बर्न होता है और वो फ्यूल बर्न होकर एज एन आउटपुट मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड करता है अलग अलग मशीन्स की पावर अलग अलग होती है जैसे कि डीजल इंजन की एफिशिएंसी होती है 32 टू 38% परसेंट एंड पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी होती है 25 टू थर्टी टू परसेंट सो मैकेनिकल पावर हमें मेनली इंजन से मिलती है इंजनस टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट है स्पार्क इग्निशन इंजन जिसे हम पेट्रोल इंजन बोलते हैं और सेकंड है कंप्रेशन इग्निशन इंजन इसे हम डीजल इंजन भी बोलते हैं सो so, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं यहां पर फील्ड वर्क करने के लिए ट्रैक्टर्स और मशीन्स को यूज किया जाता है और ये मैकेनिकल पावर का एग्जाम्पल है आफ्टर मैकेनिकल पावर नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर सो किसी भी मशीन्स और मोटर को यूज़ करने के लिए या तो हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की और फ्यूल वाली मोटर्स हमें मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड करती है और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मोटर्स हमें इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिकल पावर्स हम मोटर्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं मोटर्स फार्मर्स के लिए बहुत यूजफुल होती है जो कि बिल्कुल क्लीन एंड स्मूथली वर्क करती है मोटर्स को यूज़ करना और उसे मेंटेन करना ज़्यादा इजी होता है इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखना पड़ता है नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल पावर अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है जैसे कि वाटर पंपिंग वेल और बोरवेल से पानी निकालने के लिए मोटर्स को यूज़ किया जाता है या फिर डेयरी इंडस्ट्री मीन्स पेस्चराइजेशन के लिए मीन्स मिल्क को हाई टेम्परेचर पर बॉयल करना और उसे कूलिंग करने के लिए अलग अलग मशीन्स को यूज़ किया जाता है सो ये सभी मशीनरी को एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज़ किया जाता है सो so, ये है एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल पावर का फर्स्ट है चाफ कटर चाफ कटर चारा काटने के लिए यूज किया जाता है और ये इलेक्ट्रिक होता है सेकेंड है इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर वेल से पानी निकालने के लिए काम आता है और ये दोनों एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रिक पावर के आफ्टर दिस द फिफ्थ टाइप ऑफ पावर इज रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी हमें रिन्यूएबल सोर्सेस से मिलती है रीन्यूएबल सोर्सेस ऐसे सोर्सेस होते हैं जो कभी भी इन्वायरमेंट में ख़त्म नहीं होते हैं जो एनवायरनमेंट में अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है जैसे कि सनलाइट विंड बायोमास सो सोलर एनर्जी विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी को हम फील्ड में एग्रीकल्चर पर्पस और डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं सो so, आजकल फिल्म में सोलर पैनल्स को लगाया जाता है जो सोलर एनर्जी को स्टोर करते हैं और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसे यूज किया जाता है इसके बाद विंड एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है उसे भी यूज किया जाता है सो so, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर है सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है और सेकेंड पिक्चर है विंड एनर्जी का विंड एनर्जी ये जो थर्मल प्लांट्स होते हैं वो विंड एनर्जी को कंजर्व करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के क्या क्या यूजेस हैं समझते हैं फर्स्ट है सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी इसके एग्जाम्पल हैं सोलर ड्रायर्स लैंटर्न कुकर सोलर स्टील सोलर रेफ्रिजरेटर सोलर लाइटनिंग नेक्स्ट है विंड एनर्जी विंड एनर्जी में हम वाटर पंपिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करते हैं थर्ड है बायोमास एनर्जी बायोमास एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं गैसीफायर्स टू प्रोड्यूस प्रोड्यूसर्स गैस एंड पायरोलाइसिस टू प्रोड्यूस लिक्विड फ्यूल्स बायोगेस एटसेट्रा नेक्स्ट टाइप की एनर्जी है टाइडल एनर्जी टाइडल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज की जाती है लास्ट टाइप है जियोथर्मल एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट एंड डीमेरिट डिफरेंट फार्म पावर सोर्सेस मींस अलग अलग फार्म पावर जो सोर्सेज हैं उनके क्या क्या मैरिट्स होते हैं मीन्स उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं समझते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ पावर है ह्यूमन पावर ह्यूमन पावर के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं समझते हैं फर्स्ट है इजीली अवेलेबल ह्यूमन पावर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है हम जिस भी एरिया में एग्रीकल्चर करना चाहते हैं वहाँ पर लेबर का मिलना इजी होता है सेकेंड बेनिफिट है यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क ह्यूमन पावर को किसी भी काम के लिए यूज किया जा सकता है Means, सभी फील्ड वर्क के लिए ह्यूमन पावर जरूरी होती है इसके बाद है डिसएडवांटेजेस ह्यूमन पावर का फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि कॉस्टलीस्ट पावर कंपेयर टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ पावर मीन्स ह्यूमन पावर सबसे ज्यादा महंगी होती है क्योंकि लेबर वर्क करवाना सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर होता है क्योंकि एस कंपेयर टू मशीन्स लेबर्स को हार्ड वर्क करना पड़ता है फील्ड में इसीलिए उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है सेकेंड डिसएडवांटेज है वेरी लो एफिशिएंसी जब लेबर्स को फील्ड के लिए यूज़ किया जाता है तब उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत लो होती है एस कंपेयर टू मशीन्स थर्ड है रिक्वायर्स फुल मेंटेनेंस वैन नॉट इन यूज एंड फोर्थ डिसएडवांटेज है अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन एंड सीजन्स ह्यूमन पावर के बाद सेकेंड आती है एनिमल पावर एनिमल पावर का फर्स्ट एडवांटेज है कि इजीली अवेलेबल एनिमल्स भी ह्यूमन पावर के जैसे इजीली अवेलेबल होती हैं, क्योंकि किसी भी एरिया में एनिमल्स बुल्क्स कैमल्स का मिलना ईजी होता है सेकेंड है यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क एनिमल्स को सभी काम के लिए यूज़ किया जा सकता है थर्ड है लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट एनिमल्स को यूज़ करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना नहीं लगाना पड़ता लेकिन अगर मशीन्स की बात करी जाए तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है फोर्थ एडवांटेज है सप्लाइज मैन्यूर्स टू द फील्ड एंड फ्यूज टू फार्मर्स मीन्स जब हम फील्ड वर्क के लिए ब्लॉक्स और एनिमल्स को यूज करते हैं तब उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे एज अ मैन्य हम यूज करते हैं और ये इसका एडवांटेज है फिफ्थ एडवांटेज है लीव्स ऑन फार्म प्रोडक्ट्स मींस जिस एनिमल को हम फील्ड परपज के लिए यूज कर रहे हैं उनकी फीडिंग भी फार्म से मिल जाती है इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस एनिमल फावर का फर्स्ट डिसएडवांटेज है नॉट वेरी एफिशिएंट। सेकंड है सीजंस एंड वेदर अफेक्ट्स द एफिशिएंसी। थर्ड है कैन नॉट वर्क एट अ स्टेज फोर्थ इज रिक्वायर्स फुल मेंटेनेंस व्हेन नॉट इन यूज फिफ्थ इज क्रिएट्स अनहेल्दी एंड डर्टी एटमोसफियर नियर द रेजिस्टेंस सिक्स इज़ वेरी स्लो इन डूइंग वर्क जब एनिमल्स को फील्ड में यूज किया जाता है तब वो इतना एफिशियंटली वर्क नहीं करते हैं और सीजन और वेदर की वजह से वो अफेक्ट होते हैं मीन्स रेनी सीजन के टाइम पर एनिमल्स फील्ड में इतना एफिशियटली वर्क नहीं करते हैं और ये जो काम करते हैं उनकी एफिशियसी भी बहुत स्लो होती है थर्ड टाइप ऑफ पावर है मैकेनिकल पावर मैकेनिकल पावर के एडवांटेज होते हैं कि एफिशिएंसी इज़ हाई मशीन्स को जब हम फील्ड वर्क के लिए यूज़ करते हैं तब उनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है सेकंड है नॉट अफेक्टेड बाय वेदर। किसी भी टेम्परेचर और एनवायरमेंटल कंडीशंस में मशीन अपना वर्क काम करना बंद नहीं करती है इसीलिए वेदर का उस पर इफेक्ट नहीं होता है एनिमल पावर और ह्यूमन पावर जैसे थर्ड एडवांटेज है कैन नॉट रन एट अ स्ट्रेच फोर्थ है रिक्वायर लेस स्पेस मैकेनिकल पावर के लिए इतना स्पेस की जरूरत नहीं होती है कम स्पेस में भी अगर हम मशीन्स को रख दें तो वहाँ पे उसका काम हो सकता है फिफ्थ चीपर फॉर्म ऑफ पावर मैकेनिकल पावर थोड़ी सस्ती होती है इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस फर्स्ट डिसएडवांटेज है इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज हाई मैकेनिकल पावर के लिए मींस किसी भी मशीन्स को सेटअप करने के लिए इनिशियल हमको कैपिटल हाई रखना पड़ता है मींस हमें हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सेकंड है फ्यूल इज कॉस्टली फ्यूल कॉस्टली होता है मींस किसी भी मशीन्स को वर्क कराने के लिए उसके अंदर फ्यूल डालना पड़ता है पेट्रोल या फिर इंजन और उसे यूज़ करना महंगा होता है थर्ड है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नीड्स टेक्निकल नॉलेज मींस कभी कोई भी मशीन्स फील्ड वर्क में ख़राब हो जाती है तब उसे सही करने के लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है क्योंकि उसे सही करने के लिए प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर का फर्स्ट एडवांटेज है वेरी चीप फॉर्म ऑफ पावर इलेक्ट्रिकल पावर बहुत सस्ता होता है सेकेंड एडवांटेज है हाई एफिशियंसी मैकेनिकल पावर जैसे है इलेक्ट्रिकल पावर की भी एफिशियंसी हाई होती है थर्ड है कैन वर्क एट अस्टेच फोर्थ इज मेंटेन्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरी लो मींस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को यूज करने के लिए उसे मेंटेन करना और ऑपरेट करना ज्यादा कॉस्टलियर नहीं होता है फिफ्थ एडवांटेज है नॉट अफेक्टेड बाय सीजन्स इलेक्ट्रिकल पावर किसी भी वेदर सीजन्स से अफेक्ट नहीं होती है इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज हाई सेम मैकेनिकल पावर जैसे ही इलेक्ट्रिकल मशीन्स और मोटर्स को यूज़ करने के लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा हाई रखना पड़ता है मींस फार्मर्स के पास पहले इन्वेस्ट करने के लिए मनी होना चाहिए सेकंड है रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड द थर्ड इज़ इफ़ हैंडल्ड केयरलेसली इट कोजेस ग्रेट डेंजर मीन्स अगर उसे बिना नॉलेज के यूज़ करें या फिर यरलेसनेस से अगर यूज किया जाए तो बहुत डेंजर हो सकता है मीन्स इलेक्ट्रिकल डिवाइस को यूज करने के लिए प्रॉपर नॉलेज की जरूरत होती है आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज फार्म मैकेशन फार्म मेकेशन क्या होता है समझते हैं फार्म मेकेनाइजेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टू डू द एग्रीकल्चर ऑपरेशन इन अ बेटर वे टू इंक्रीज द क्रॉप फील्ड जैसा कि हम जानते हैं पहले फार्मिंग ट्रेडिशनल वे में की जाती थी जिससे मशीन्स को इन्वालमेंट नहीं होता था वो केवल टूल्स एनिमल्स और एनिमल पावर को यूज़ करते थे जिससे क्रॉप प्रोडक्शन भी लिमिटेड होता था इतना कि वो बस फैमिली को फीड करा सके इससे ज़्यादा वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे बट नाउ डेज एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत वास्ट हो चुका है अब फील्ड में मशीन्स मोटर्स और टेक्नोलॉजीज को अप्लाई किया जाता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्रॉप यील्ड को इनक्रीज करना और हाई अमाउंट में प्रोडक्शन हो सके और उससे मार्केटिंग कर सकें इससे हम फार्मेनाइजेशन बोलते हैं फार्म मैकेनाइजेशन में फार्म मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए फील्ड ऑपरेशन कंट्रोल मटेरियल हैंडलिंग, शॉर्टेज एंड के लिए टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग को अप्लाई किया जाता है आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इस बेनिफिट्स ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं समझते हैं फर्स्ट है टाइमलेस ऑपरेशन मशीन्स और मोटर को यूज़ करने से काम बहुत जल्दी हो जाता और टाइम वेस्ट नहीं होता है जैसे कि ट्रैक्टर्स फील्ड को वन आर में पूरा टीलेज कर सकते हैं जबकि एनिमल्स उसी काम को करने के लिए एक से दो दिन लगा देते हैं सेकंड है प्रिसीजन ऑफ ऑपरेशन मीन्स एक्यूरेसी सो जैसा कि हम जानते हैं वन हेक्टेयर में अगर टीलेज करने से हम मोटर्स और मशीन में फिक्स डेप्थ सेट करके पूरे फील्ड को सेम डेप्थ पर टीलेज कर सकते हैं लेकिन वही काम अगर ह्यूमन पावर और एनिमल पावर करे तो कभी भी पूरा फील्ड सेम डेप्थ पर नहीं टील्ड हो सकता है क्योंकि मशीन मिस्टेक्स नहीं करती और उनकी एक्यूरेसी 100% परसेंट होती है थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ ड्रजरी ऑफ लेबर मशीन्स को यूज़ करने से लेबर वर्क कम हो जाता है लेबर्स को हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है फोर्थ इज़ रिडक्शन ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप्स एंड फूड प्रोडक्ट्स मशीन्स को यूज़ करने से क्रॉप फेलियर के चांसेस कम होते हैं और प्रोडक्शन रेट भी इंक्रीज हो जाती है फिफ्थ इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड क्योंकि फार्म मैकेनाइजेशन से लॉस कम होता है इसीलिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है सिक्स बेनिफिट है इंक्रीज इकोनॉमिक रिटर्न टू फार्म सेवेंथ इज इम्प्रूव डिग्निटी ऑफ फार्मर एंड एट्थ इज प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन रूरल एरिया सो ये लेक्चर था फार्म मशीनरी एंड पावर पर और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप गो एग्रो -E का एप डाउनलोड कर सकते हैं इसपे आपको सभी सेमेस्टर वाइज नोट्स प्रोवाइडेड हैं So guys, thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share.